वेलकम बैक गाइस, आज स्टार्ट करते हैं पिरामिड का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है लेवल 1, विच इज कैलोरी इनटेक एंड एनर्जी बैलेंस। अब कैलोरी क्या है? कैलोरी एक एनर्जी का मेजरमेंट यूनिट है, दैट्स इट, ऑलराइट। और पूरी वीडियो इसी के बारे में बात करेंगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं कि मेरे को कितनी कैलोरीज खानी है, कितनी कैलोरीज नहीं खानी है, कितना मेरा BMR है या कितना मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज है, सब आपकी इस वीडियो के अंदर पूरी कर दी जाएगी, सब डाउट्स आपके पूरे कर दिए जाएंगे। A to Z, ऑलराइट। जी बोलते हैं, जेड बोलते हैं, अपने को क्या की फर्क पैंदा पाजी यार। तो गाइस, इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप सेट कीजिए कि आपका गोल क्या है। आपका गोल मसल गेन है, बल्किंग है, आपका गोल फैट लॉस है, या आपका गोल मेंटेनेंस है। तो आप सेट कर लीजिए कि आपका गोल क्या है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टास्क दूंगा, सिड और मैं आपको मिलकर एक टास्क देंगे जिसको आपको नीचे कमेंट करना रहेगा। जैसा कि हर वीडियो में हमने कहा था, एक छोटा सा टास्क देंगे। Exactly. इसमें भी देंगे। राइट गाइस, इस वीडियो के स्टार्ट से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आप एक इमेजिन कीजिए। अरे रुक जा यार, मैं आपको चाहता हूँ बहन चोद, मैं आपको चाहता हूँ। तो गाइस, इस वीडियो के स्टार्टिंग से पहले मैं इमेजिन करना, मैं नहीं इमेजिन करना चाहता, आप इमेजिन कीजिए। तो गाइस, आप कोई भी फूड खाएं उसके अंदर एनर्जी होती है। आप सुबह से शाम तक कोई भी खाना खा रहे हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। जब आप उस फूड को अपने बॉडी के अंदर लोगे, वो वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड कैलोरीज। इसी तरीके से आप एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर लेते हो, इसी तरीके से आप कैलोरीज का इनटेक करते हो। तो गाइस, ये एनर्जी जो है इतना इंपॉर्टेंट, इसलिए आप दिन भर में कुछ भी करते हो आप एनर्जी स्पेंड करते हो, आप दिन भर में कुछ भी खाते हो आप एनर्जी इनटेक करते हो। तो जो एनर्जी बैलेंस है, आपने जो इनटेक किया और जो स्पेंड किया उसका, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पिरामिड का फर्स्ट लेवल है। और आपको अगर वेट गेन करना है या वेट लूज करना है, ये डिपेंड करेगा आपका एनर्जी बैलेंस आप कहाँ रखते हो। तो वेट मेंटेन करने के लिए आपको मेंटेनेंस कैलोरीज खानी होगी, वेट घटाने के लिए आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज खानी होगी, और वेट बढ़ाने के लिए आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज खानी होगी। इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको इंटरनेट पे 500 आर्टिकल मिल जाएंगे कि यार कैलोरीज कुछ नहीं होता है, आप बस ये खाओ हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे कैलोरीज कैलोरीज आउट ही सब कुछ होता है। बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, आप अगर बॉल छोड़ दोगे नीचे जाएगी ग्रेविटी के कारण। उसी तरह की बात है, नॉन नेगोशिएबल बात है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट और पहला लेवल है पिरामिड का। जस्ट टू समराइज सेट्स पॉइंट, कैलोरीज की क्वांटिटी ज्यादा मैटर करती है कैलोरीज की क्वालिटी से। आप दिन में ज़्यादा क्या खा रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि दिन में आप कहाँ कहाँ से खाना खा रहे हो। जैसे आप एग वाइट्स खा रहे हो या आइसक्रीम खा रहे हो, प्लस 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 करके जितनी कैलोरीज आ रही हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो है मेंटेनेंस कैलोरीज निकालना। मेंटेनेंस कैलोरी से बहुत सारी बातें शुरू होंगी, क्योंकि आपके वेट को मेंटेन करने के लिए जो आपको कैलोरीज खानी है वो है मेंटेनेंस कैलोरी। तो सबसे पहले मेंटेनेंस कैलोरी की बात कर लेते हैं कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे अपनी मेंटेनेंस कैलोरी। तो इसके कई तरीके होते हैं, सबसे एक्यूरेट तरीका जो पॉसिबल है उसका हमने एक वीडियो पहले बना रखा है जो मैं यहाँ लिंक कर दूंगा। उसके अलावा फॉर्मूले होते हैं जिससे आप एक रफ अप्रोक्सीमेशन पे अराइव कर सकते हैं शुरुआत करने के लिए। पूरे मार्केट में 100 कैलकुलेटर्स हैं जिसमें आपको बॉडी फैट परसेंटेज डालना पड़ता है, अपने बॉडी वेट को पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। बट आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दैट, आई वॉन्ट टू फॉलो दिस सिंपल रूल, और मैं आपको सिंपल रूल बताने वाला हूँ। अगर आपका एक्टिविटी लेवल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पर्सन की जैसा है, जैसे आप सिर्फ 4 से 5,000 स्टेप्स लेते हो दिन प्रतिदिन, और आपका वर्कआउट सेशन सिर्फ 3 से 4 दिन है पूरे वीक में, तो आप सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, विच इज़ ध्यान दीजिएगा बॉडी वेट इन केजीज इंटू 33.5। बॉडी वेट इन केजीज इंटू 33.5, इससे आपकी कैलोरीज जो आएंगी विच विल बी योर मेंटेनेंस कैलोरीज। अब बात करते हैं उन लोगों की जो एक्सट्रीम पे हैं, जिनका एक्टिविटी लेवल बहुत ही कम है या जिनका एक्टिविटी लेवल बहुत ही ज़्यादा है। जैसे हम जैसे लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं और कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, और हमारे स्टेप्स बहुत ही कम है, जैसे 1,000, 2,000 इतने स्टेप्स, और सिर्फ जिम जाते हैं, दैट्स इट। उनके लिए बॉडी वेट इन केजीज इंटू 29, इससे जो आपकी कैलोरीज निकलेंगी वो होंगी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। अब बात करते हैं राइट मोस्ट एक्सट्रीम की, जो जिनका एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, 12,000 स्टेप्स, 15,000 स्टेप्स, हर रोज़ जिम जाना, किसी कार्डियो में पार्ट लेना, किसी स्पोर्ट में पार्ट लेना, बॉडी वेट इन केजीज इंटू 38.5। तो इसमें अब आप देख लीजिए कि आप किस तरफ लाए करते हैं। पानी पूरी नहीं छो, बियर पियो। तो गाइस, अब बढ़ते हैं वीडियो के एक और इम्पोर्टेंट बात पे,
जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कितनी कैलोरीज मेंटेनेंस से ऊपर या मेंटेनेंस से नीचे खानी चाहिए फैट लॉस के लिए और लीन मसल गेन के लिए। तो लीन मसल गेन के लिए हमारी जनरल रिकमेंडेशन है कि आप अपने मेंटेनेंस से 200 या 300 कैलोरीज ऊपर खाएं, इससे आपका फैट गेन कम रहेगा। और गाइस ये जो सरप्लस है कितना सरप्लस आपको खाना चाहिए एक्चुअली थोड़ा आपके एक्सपीरियंस लेवल पर डिपेंड करता है, जिस पे हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं लिंक कर दूंगा, आप देख सकते हैं। बात करते हैं फैट लॉस के लिए आपको कितना डेफिसिट में खाना चाहिए। तो फैट लॉस के लिए अगर आपको पर मंथ 1 kg लूज करना है तो आपको पर डे 250 कैलोरीज कम खानी है, मेंटेनेंस कैलोरीज माइनस 250 कैलोरीज, ये होगा आपका 1 kg का लॉस। अगर आपको 2 kg पर मंथ लूज करना है तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज माइनस 500 कैलोरीज, ये होगा आपको 2 kg का लॉस। अगर आपको पर मंथ 3 kg का लॉस करना है तो मेंटेनेंस कैलोरीज माइनस 750 कैलोरीज पर डे। अगर आपको 4 kg का लॉस करना है मेंटेनेंस कैलोरीज माइनस 1000 कैलोरीज पर डे। ये कैलोरीज डिसाइड करेंगी कि आपका पर मंथ कितना लॉस हो रहा है। हमारी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अगर बहुत ही ओवरवेट साइड पे हैं तो आप पर मंथ 3 kg to 4 kg लॉस कर सकते हैं, बट अगर आप बहुत ही लीन इंडिविजुअल हैं, अगर आपके एब्स की आउटलाइनिंग हल्की सी दिख रही है, तो आई वुड से कि आप 1 kg और 2 kg पर मंथ ही स्टिक करें। तो गाइस ये बात हो गई आपके कैलोरी इनटेक की, एनर्जी बैलेंस की। अब बात करते हैं, सब उम्मीद करते हैं आपको चमक गया होगा कैलोरीज के बारे में। अब यहाँ जो कॉमन क्वेश्चंस आमतौर पर रेज होते हैं, अब आपको वो आसानी समझ में आ लेंगे। सबसे पहली बात तो जितनी भी फैट लॉस डाइट्स होती हैं, कीटो डाइट हो गई, कोई डाइट हो गई, लो कार्ब डाइट हो गई, और डाइट का वैसे कोई नाम होना ज़रूरी नहीं होता, डाइट का कैलोरी इनटेक और मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है वो उससे फ़र्क पड़ता है, पर जितनी भी डाइट्स हैं इन सब का अंडरलाइन प्रिंसिपल जो है इन सभी दरवाज़ों के पीछे जो जिस चीज़ के कारण रिजल्ट आ रहा है वो है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट नहीं होगा तो आपका फैट लॉस नहीं होगा, चाहे उस डाइट का नाम कीटो हो या ग्लूटेन फ्री हो या कुछ भी अलाना फलाना। तो सारी डिफरेंट डाइट्स फैट लॉस सेम प्रिंसिपल का यूज़ करती हैं, कैलोरी डेफिसिट। डाइट को आपको नाम देना ज़रूरी नहीं है, कैलोरी डेफिसिट में रहिए। सो व्हाट इज़ द सीक्रेट? कैलोरी फकिंग डेफिसिट। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत सुनते हैं हम लोग कि मैं आइसक्रीम खाऊं, मैं एग योक्स खाऊं, मैं पीनट बटर खाऊं, इससे क्या मेरा फैट लॉस रुकेगा, इससे क्या मेरा मसल गेन रुकेगा और आपका फैट गेन होगा या नहीं होगा? तो मैं सिंपल से ये बोलूँगा, इस वीडियो के बाद आप देखेंगे कि अगर आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खा रहे हो तो आपका वेट गेन होगा। मैटर नहीं करता कि कहाँ से कैलोरीज आएगा गाइस, चाहे वो कैलोरीज आइसक्रीम से आए, चाहे पीनट बटर से आए, चाहे आपके किसी से भी आए, फलाना ढिमकाना, बट अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज के अंडर खा रहे हो तो आपका वेट गेन नहीं होगा या आपका फैट गेन नहीं होगा। गाइस यही बातें करनी थी कैलोरीज के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो से टेक अवे आप ये लेके जाएंगे, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है न्यूट्रिशन का, इतना इंपॉर्टेंट है, ये पिरामिड का फर्स्ट लेवल है। और मेंटेनेंस कैलोरीज से सारी बातें शुरू होंगी क्योंकि ये वो कैलोरीज हैं जो आपको अपना करंट वेट मेंटेन करने के लिए चाहिए। अब जहां आपका गोल है उस डायरेक्शन में आप अपना कैलोरी इंटेक रखिए। एंड उम्मीद करता हूं सारी बातें कैलोरी से रिलेटेड क्लियर हुई होंगी, एकदम बेसिक बातें थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कॉमेंट में डाल दीजिए, हम पक्का रिप्लाई करेंगे। एंड एक छोटा सा टास्क इस वीडियो के बाद आपको देना चाहेंगे कि आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कीजिए, मेरा जो वीडियो मैंने लिंक किया था वो देखिए, फॉर्मूला यूज़ कीजिए एंड बताइए कमेंट्स में आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। तब तक के लिए मैं हूँ सिद्धार्थ और मैं हूँ रचित, साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।